मत पूछो यार दादू, स्यापे पे स्यापे होते जा रहे हैं। अब बताओ, ये बेब ने मुझे ये सारा पकड़ा दिया, ये बेगाथा, ये हिसाब किताब, पता नहीं क्या क्या। अब मैं बेचारी नन्ही सी जान अकेली, बताओ मैं क्या क्या करूँगी? अब मैं पढ़ाई करूँ या ये सब करूँ? इतना काम है, बता भी, कॉलेज वाले जाना छोड़ दूँ क्या? अच्छा, अब देखो ना, मतलब जरा सा हाथ बटाने को क्या बोला तूने? तो दादू जी को बुला लिया मेरी शिकायत करने, ये कोई तरीका होता है क्या? अब आप ही बताइए ना पापा जी, मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी, कितने सारे काम में, ऊपर से वो दुकान पे भी नई नई खोली है। अब चलो दुकान पे तो मैंने कमो मधु को लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी काम के तो चार हाथ भी कम पड़ते हैं ना, ऊपर से अकाउंट्स का इतना सारा काम है और सुखी जी भी चले गए। और इस लड़की को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा हाथ बटाते, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी कुछ सुननी नहीं है। अच्छा देखो देखो बीजी देखो, I did it right. पता है मुझे सही किया है मैंने। Obviously दादू बीजी को बुरा लगेगा, लेकिन this was required ना यार babes. उनको जेल भेजना it was important. पर ना वो तो ऐसे ही रह जाते ना, वो realize ही नहीं करते बाकी सबके साथ ऐसे ही behave करते। मैंने सही किया, है ना babes? हाँ शायद तूने ठीक किया मिनी, शायद तेरे पापा जी को पनिशमेंट मिलना जरूरी है, लेकिन लेकिन पता नहीं मिनी, क्या कानून की सजा से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तेरे पापा जी सुधर जाएंगे? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? क्या फिर दोबारा वो किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या सच में जेल जाने के बाद लोग सुधर जाते हैं? सच में इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है, तो मेरे हाथ से कभी इतना ज्यादा नमक डला ही नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है, कैसे हो गया ये? नहीं नहीं जी, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं ठीक बात नहीं है, आज सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है सब, क्या कुछ गलत हो रहा है। क्या हुआ? एक सेकंड बेब, सुन सुन तो यार, यार एक सेकंड, क्या हो गया? तो क्यों इतना टेंशन ले रही है, क्यों रिएक्ट कर रही है? ठीक है, इट्स नॉर्मल, जरा सी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है मिनी, बहुत बड़ी बात है। नमक कैसे ज्यादा हो गया मुझे? आज तक इतने साल से मैं बना रही हूँ खाना, कभी नमक ज्यादा नहीं हुआ, मैंने चखी क्यों नहीं देखा? इतना बुरे छोले बनाए मैंने किससे? बेब्स, मैं छोलों की बात नहीं कर रही, तू भी जानती है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी यार बेब्स, जो किया ना हमने इट्स फाइन, इट्स ओके, सही किया हमने। काश तू सही कह रही होती मिनी, काश मैं तुझ पे ट्रस्ट कर पाती। मैं थक गई हूँ मिनी, थक गई हूँ, बार बार जिंदगी ऐसे दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर देती है? मैं कितनी भी कोशिश करूँ तेरे पापा जी से भागने की, इन सब रिश्तों को तोड़ने की, रिश्ता बार बार सामने आके खड़ा हो जाता है हमारे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना यार, यू नेवर नो, हो सकता है पापा जी का जेल जाना हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो। अच्छा ठीक है, तुझे मुझे जैसा भी लगे, दादू भी जी को कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन दिस इज पॉसिबल ना कि उनका जेल जाना अभी इस वक्त सबके बेटर के लिए ही हो। तो जब वहां से वापस वो लौटेंगे तब तब क्या मिनी, तुझे यकीन है कि तेरे पापा जी सुधर जाएंगे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.